हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जो आप भी पूरा वीडियो देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल निकाले जाते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो चलिए दोस्तों, हर हफ्ते की तरह निफ्टी से शुरुआत करते हैं और सेकंड पोर्शन में हम कवर करेंगे बैंक निफ्टी। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीक में बताया था कि निफ्टी के डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं कि जैसे ही ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है दोस्तों, तो आपको एक ही चीज करनी थी कि जैसे ही इतने लंबे समय बाद इतना बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है दोस्तों, तो क्या होता है कि बहुत ही अच्छी खासी तेजी दिखाई देती है। तो हमने आपको बताया था कि आपको आने वाले समय में, जो नेक्स्ट वीक में, हमने आपको प्रीवियस वीक में बताया था कि इस वीक में आपको 19,400 से लेके 500 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं और हमारे बैंक ऑन टारगेट अचीव होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस वीक में। जैसे कि बैंक निफ्टी ने इस वीक में हाई लगाया 19,525 के आसपास का। ओके, तो दोस्तों तकरीबन 400 से 500 पॉइंट का प्रॉफिट आपको इस हफ्ते में दिखाई दिया है निफ्टी की तरफ। और देखिए दोस्तों, प्राइस एक्शन हमने बताया था कि प्राइस एक्शन तो कंटिन्यूअसली हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही जा रहे हैं, डाउन साइड कहीं पे भी नहीं है। ओके, और जहीं कहीं पे भी डाउनसाइड थोड़ी बहुत आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। पिछले कई टाइम से आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी में बहुत ही शानदार तेजी दिखाई दे रही है और उस तेजी का रीजन आपको प्राइस एक्शन में भी दिख जाएगा। वीकली, डेली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड में, यानी कि कहीं पे भी डाउन साइड की गुंजाइश अभी के लिए नहीं है। और आपको ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट के बाद 500 पॉइंट की वन साइडेड तेजी देखने को मिली थी। और दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि भाई ब्लू स्काई टेरिटरी है, कभी अभी तक ऐसे लेवल निकले नहीं है तो टारगेट कैसे निकालने, वो सब भी पता नहीं रहता। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको टारगेट कैसे निकालना था वो भी बताया था और क्यों यहाँ पे रुकेगा वो भी बताया था दोस्तों, उसका भी रीजन था वो भी हम देख लेते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पैरेलल चैनल की हम जो क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो एक पैरेलल चैनल क्रिएट करते हैं तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा था, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो एक चैनल चल रही थी तो ये चैनल के ऊपरी सिरों को, जो हायर हाई रहता है उसको हमने कनेक्ट कर लिया और नीचे में जो हमारे हायर लो था उसको भी हमने कनेक्ट कर लिया। तो ये एक चैनल बनी है। वो निफ्टी जहाँ से 16,800 से कंटिन्यूअसली हमारी प्राइस एक्शन चेंज हुई, तब से आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी नीचे में सपोर्ट ले रही है, चैनल के ऊपरी हिस्से में रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ओके, सेम टू सेम चीज कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। जैसे ही जो चैनल चल रही है पूरी की पूरी, उसके नीचे सिरे में आते ही आपको एक सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर के सिरे में कंटिन्यूअसली आप एक रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे। तो ये सीनारियो कंटिन्यूअसली है। तो पिछले वीक आपको यहाँ से, 2 वीक पहले यहाँ से आपको 18,650 से आसपास से सपोर्ट मिला था, वो चैनल का नीचे का सिरा था। और टारगेट भी मैंने बताए थे इस वीक में कि 19,400 से लेके 500 आ सकते हैं, उसका भी रीजन यही था और वही टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। अब बोलेंगे लोग कि भाई नीचे में भी क्यों आ रहा है, तो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, चैनल के ऊपर के सिरे में पहुंच चुका है, तो थोड़ी बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो कहाँ तक नीचे में भी आ सकता है, तो वो भी आपको यही चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों कि चैनल के परफेक्ट ऐसा नहीं है कि नीचे को सिरे को ही टच करेगा या वहां तक ही आएगा, ऐसी बात नहीं रहती है दोस्तों। उसमें भी आपको क्या करना है कि वेट करना है कि नीचे में प्रॉफिट बुकिंग रिटेस्ट करने के लिए मैक्सिमम जो हमारे लेवल है वो, जैसे कि ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो 18,900 का। ओके, और दूसरा 19,000 के बीच में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो तीन कैंडल बनेगी तो ये मैक्सिमम 18,900 से 19,000 तक नीचे में आ सकता है। जो हमारा ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है उसको रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है, चैनल का टॉप है तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो ब्रेकआउट मिल जाता तो मैंने बताया था कि तो फिर हमारा टारगेट 19,800 से लेके 20,000 तक चला जाता, मगर वो चैनल का ब्रेकआउट नहीं मिला है तो फिर से एक निफ्टी करेक्शन मोड में, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई देगा। वो लेवल क्या करना है कि आपको बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है
क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही है। तो दोस्तों 18,900 से लेके 19,000 के बीच में आपको निफ्टी दिखाई देती है, तो आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है। ओके, आपको 19,000 का कॉल खरीदना है जुलाई मंथ एंड का, और अपसाइड में आने वाले हफ्तों में आपको जो लेवल्स दिखाई दे सकते हैं वो है 19,700 से लेके 19,800 तक के लेवल दोस्तों आपको आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। तो आपको यही टारगेट लेके चलना है 19,700 से लेके 800 में। कहाँ पे बाइंग करनी है? तो दोस्तों 18,900 से 19,000 के आसपास आपको दिखाई देता है, तो आपको बाइंग करनी है, 19,000 का कॉल खरीदना है। ओके, और टारगेट आपको रखना है 19,700 से लेके 19,800 के। दोस्तों ये चैनल का बॉटम है, यहाँ पे टच कर सकता है, यहाँ पे 4-5 कैंडल हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, हमारा जो ब्रेकआउट है उसको रिटेस्ट कर सकता है, और प्राइस एक्शन के मुताबिक नया फिर से हायर लो बनाने की एक अटेम्प्ट कर सकता है यहाँ आसपास दोस्तों। ओके, तो ये था हमारा डेली में निफ्टी का व्यू। आपको अपसाइड के लिए ही खेलना है, डाउन साइड कहीं पे भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए दोस्तों, शॉर्ट कहीं पे भी मत कीजिए। कीजिए शॉर्ट तो ऐसे चैनल के टॉप बन रहे, ऐसे कुछ बन रहे, तो 50-100 पॉइंट का रिस्क लेके ही शॉर्ट कर सकते हो, उसके अलावा शॉर्ट मत कीजिए। अभी 19,300 का लेवल चल रहा है, आप 19,000 से लेके 18,900 के बीच में, और या 19,050 के आसपास भी 50 प्लस और माइनस पॉइंट रहते हैं, क्योंकि हम जो लेवल बोलते हैं वो परफेक्ट टच करे वो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50 पॉइंट का डिफरेंस रह सकता है, तो आपको ये लेके चलना है दोस्तों। ओके, अब निफ्टी में हम बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों देखिए कि आपको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, अपर ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट मिला है उसको रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकती है। ओके, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है दोस्तों देखिए कि जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन रहती है, ऐसी अपर ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था, कंटिन्यूअसली यहाँ से लेके रुक रही थी निफ्टी ने, जो यहाँ पे जो कोरोना के टाइम के बाद बुल रन चला था वो यहाँ पे रुका था, यहाँ पे भी उसने ब्रेकआउट का ट्राई किया था मगर वो फैल गया था। तो इस बार तो क्या था कि बहुत ही बुलिश मारू बुजू कैंडलस्टिक पैटर्न से, ओके, इसका ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट में मिल चुका था दोस्तों। ओके, तो हमने आपको बताया था कि ये फिर क्या होगा कि अपसाइड में ही जाएगा, वो टारगेट भी आए, तो अब ये क्या है कि रिटेस्ट कर सकता है। ओके, तो 19,000 तक आ सकता है। ओके, यहाँ पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है उसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो ब्रेकआउट आया उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है 18,650 का, जिसको 2-4 वीक का ट्रेंड है उसके लिए 18,650 का स्टॉप लॉस रखिए, 19,000 पे बाई कीजिए, और आने वाले 3 से 4 हफ्तों में आपको 20,100 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ऐसा वीकली टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। ओके, एज पर टेक्निकल एनालिसिस तो आपको क्या करना है कि 19,000 का, ओके, अगस्त महीने की एंड का आप कॉल खरीद के चल सकते हो। जब 19,000 के पास आए तब 18,650 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वीकली क्लोजिंग बेसिस का, और आपको टारगेट मिलेगा 20,100 का। ओके, तो दोस्तों आपको 350 पॉइंट के सामने 1,100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, रिस्क कितना है आपका दोस्तों? तो सिर्फ 350 का है। ओके, 350 पॉइंट का आपका रिस्क है। ओके, सामने आपको जो टारगेट मिल रहा है वो टारगेट मिल रहा है 1,100 पॉइंट का, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो 1:3 हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से ऊपर होना चाहिए या 1:2 से मिनिमम ऊपर होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड करना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में, कि मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी में कौन कौन से लेवल निकल के आ रहा है। सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में वही चीज मैं आपको एक दूसरे एंगल से भी दिखाना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट को रिटेस्ट तो करेगा ही, मगर एक पैरेलल चैनल भी चल रही है। ओके, निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये दोस्तों देखिए, तो ये आपको दिखेगा पोल एंड फ्लैग दोस्तों, ये आपको दिखेगा पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट। ओके, ये देखिए दोस्तों परफेक्टली आप इसको देखोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको परफेक्टली पोल एंड फ्लैग दिख जाएगा दोस्तों, ये देखिए। ओके, ये जो हमें मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिला है ये पोल एंड
का भी ब्रेकआउट है। ओके दोस्तों, ये पोलैंड फ्लैग है, तो उसके मुताबिक भी मैंने बताया था दोस्तों कि हमारा जो ये वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो हमारा कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट था, मगर ये जो हम काउंट करेंगे ओके 1500 से लेके यहाँ तक, ओके, नीचे सिरे से ऊपर के सिरे तक 1500 से लेके 19,100 तक, ओके, यानी कि 4,000 पॉइंट का जो हमारा निकल के आ रहा है, तो वो आने वाले टाइम में हमारा 4,000 पॉइंट का टारगेट पोलैंड फ्लैग के मुताबिक के निकल आ रहा है। वो 19,000 में मैं 4,000 जोड़ दूंगा तो 23,000 का टारगेट हमारा जो निकल के आ रहा है, 23,000 का टारगेट निकल के आ रहा है एज पर फ्लैग निकल के आ रहा है दोस्तों। फ्लैग के मुताबिक हमारा टारगेट 23,000 का निकल के आ रहा है, ओके। और पोल देखिए दोस्तों, पोल की साइज है 15,000 से लेके 19,000, ओके, 15,000 से लेके 19,000, यानी कि सॉरी 15,000 कहाँ, 7,500 से लेके 18,500 तक तकरीबन, आप गिन के चलिए, यानी कि 11,000 पॉइंट का पोल है हमारा दोस्तों, 11,000 पॉइंट का, ओके, पोल 11,000 पॉइंट का है। तो आप कंसीडर कर लीजिए दोस्तों कि पोल हमारा है 11,000 पॉइंट का, यानी कि हमारा जो टारगेट रहेगा 19,000 में हम 11,000 ऐड कर देंगे तो 30,000 का टारगेट निकल के आ रहा है एज पर पोल निफ्टी में, और वो आने वाला टाइम है हमारा ओके 1.5 से 2 साल तक, 1.5 से 2 साल में आपको निफ्टी का लेवल 30,000 तक के दिखाई दे सकता है एज पर पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट दोस्तों। फ्लैग के मुताबिक आपका 4,000 पॉइंट का नेक्स्ट टारगेट, 19,000 में 4,000 जोड़ देंगे तो 23,000, और पोल जो हमारा 7,500 से लेके 18,500 तक, यानी कि 11,000 पॉइंट का हमारा पोल है, उसके मुताबिक हम 19,000 में 11,000 ऐड कर देंगे तो हमारा 30,000 का नेक्स्ट टारगेट पोल एंड फ्लैग के मुताबिक निकल के आ रहा है दोस्तों। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो मंथली क्लोजिंग बेसिस में जो मेंटेन करना है वो है 17,000 का। ये 17,000 का स्टॉप लॉस दोस्तों आपको मेंटेन करना है, ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस आपका 17,000, 2,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 4,000 पॉइंट का फ्लैग के मुताबिक मिनिमम टारगेट है, तो वो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 हो जाता है तभी ट्रेड करना है, और आप ऊपर में देखोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:4 से उससे भी ज्यादा आ गया है दोस्तों। तो निफ्टी में कहीं पे भी डाउन साइड नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम देख लो, मंथली टाइम फ्रेम देख लो, ओके दोस्तों, कहीं पे भी नहीं, ओके। और वीकली टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो निकल के आ रहा है ओके, तो ये हमारा नेकलाइन है और ये हमारा कप एंड हैंडल निकल के आ रहा है दोस्तों। कप एंड हैंडल जो निकल के आ रहा है वो भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसके मुताबिक भी हम आपका जो टारगेट है ओके, वो वीकली टाइम फ्रेम में भी वो निकल के आ रहा है, ओके। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि 16,800 से लेके 19,000, ओके, यानी कि दोस्तों 2,300 पॉइंट का टारगेट, ओके, तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ओके, और सेकंड टारगेट 15,200 से लेके 19,100, यानी कि 23,000 का वो, ओके, जो फर्स्ट टारगेट है ओके, वो हमारा जो है एज पर टेक्निकल एनालिसिस हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ओके, वो है हमारा 21,000, और जो आपका हैंडल के मुताबिक है, और जो हमारा कप के मुताबिक टारगेट निकल के आ रहा है वो है 23,000 का दोस्तों, ओके, 23,000 का। तो पोल एंड फ्लैग के मुताबिक मंथली टाइम फ्रेम में भी 23,000 निकल के आ रहा है फ्लैग के मुताबिक, यहाँ पे कप एंड हैंडल के मुताबिक भी आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 21,000 पहला है और 23,000 सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 18,650 का दोस्तों। तो ये थी बात निफ्टी की, अब हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में देखिए कि ये जो हमें डार्वास बॉक्स का ब्रेकआउट मिला था, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कंटिन्यूअसली एक ही जोन में साइडवेज में 1 महीने से ज्यादा से 2 महीने से हम घूम रहे थे, और जो डार्वास बॉक्स के नीचे के सिरे से लेके ऊपर के सिरे तक हम कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन कर रहे थे, और ये ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई के नज़दीक था तो आने ही वाला था, इसीलिए कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, हमने आपको वो भी बताया था।
और ब्रेकआउट के बाद हमने ये भी समझाया था कि जो हमारा ये था 1100 पॉइंट का, 43,300 से लेके 44,400 यानी कि 1100 पॉइंट का था, तो हमने आपको बताया था कि 44,000 के ऊपर आपको, 44,400 के ऊपर आपको 1100 पॉइंट काउंट कर लेने हैं। ओके दोस्तों, यानी कि आपका जो टारगेट निकल के आ रहा था वो 45,500 का था हमारे मुताबिक, और बैंक निफ्टी में जो इस हफ्ते में बैंक निफ्टी ने जो टारगेट हाई बनाया है वो है 45,650 का, यानी कि जो हमारा टारगेट था डार्वास बॉक्स का वो परफेक्टली अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और हमने आपको बताया था रीजन भी कि हम ऑल टाइम हाई के कंप्लीटली पास चल रहे थे। आप ये देख पा रहे हो कि हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलने में सफल नहीं मिल रही थी, अब क्लोजिंग भी मिल गई, तो ये डार्वास बॉक्स था दोस्तों हमारा, उस डार्वास बॉक्स का हमें जो टारगेट भी था वो टारगेट डार्वास बॉक्स का 1100 पॉइंट का जैसे ही ब्रेकआउट मिला तुरंत अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों, नेक्स्ट वीक में आपको ये जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी के लिए, ओके कि टारगेट अचीव होने के बाद, तो कुछ भी नहीं करना है, फिर से आपको यही ध्यान में रखना है कि 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी आती है तो आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, 44,000 का आपको कॉल खरीदना है जुलाई मंथ की एक्सपायरी का, और स्टॉप लॉस आपको दोस्तों यही रखना है कि 43,600 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके 550 या 600 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो दोस्तों, ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है। ओके स्टॉप लॉस आपको 43,600 के आसपास रखना है, 44,400 के आसपास बाइंग की पोजीशन बनानी है, 44,000 का कॉल खरीद के चल सकते हो जुलाई मंथ के एक्सपायरी का, और आपका जो टारगेट है दोस्तों वो 46,100 का आपका टारगेट रहेगा, 46,100 का आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। पहला टारगेट है वो फिर से आपका वही रहेगा कि 44,45,500, और दूसरा टारगेट आपका 46,100 का रहेगा दोस्तों। तो आपको ये सी पोजीशन बनानी है, तो ये ब्रेकआउट को प्राइस एक्शन में हम हायर हाई हायर लो में ही चल रहे हैं। ओके तो ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी नीचे में डेली चार्ट में आ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बाइंग की पोजीशन आप बना सकते हो नीचे में, 44,400 से नीचे में आएगा तो भी मैक्सिमम 44,100 तक ही आएगा दोस्तों, तो आपकी पोजीशन में एड ऑन कर सकते हो, और आपको टारगेट रखना है 45,600 का और 46,100 का दोस्तों। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में क्या निकल के आ रहा है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में इस हफ्ते में जो निकल के आ रहा है कैंडलस्टिक्स पैटर्न वो थोड़ी बहुत नेगेटिव है दोस्तों। ओके तो ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न निकल के आ रही है इसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार, इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है दोस्तों। अभी क्या है कि ये जो बैंक निफ्टी में हमें ब्रेकआउट मिला है दोस्तों, आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका हमें ब्रेकआउट मिला था मगर वहीं पे रेजिस्टेंस पे दोस्तों आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल रही है दोस्तों। आप वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन वाइज कंपेयर करोगे तो हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ही बना रहे, कहीं पे भी डाउन साइड नहीं है। मगर बैंक निफ्टी अभी वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के पास है। और रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिले वो बेरिश है। तो मैक्सिमम कहाँ तक हम नीचे में आ सकते हैं, तो आपको हमारा जो ये प्रीवियस ब्रेकआउट मिला था 44,000 तक का, वहाँ तक आप रिटेस्ट करते हुए बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में दिखाई दे सकते हो दोस्तों। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, 44,000 के आसपास मिलता है तो आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 43,400 का एज पर वीकली टाइम फ्रेम में। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 600 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 44,000 के आसपास आप बाइंग पोजीशन बनाते हो तो दोस्तों। ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आएगा, हमारा जो ये प्रीवियस हाई है उसको जो ब्रेकआउट दिया था उसको रिटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी आएगा, और आने वाले समय में आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते हो तो आपको
46,100 का, ओके, ये जो टारगेट है वो दिखाएगा, और सेकंड टारगेट आपको 47,000 का भी दिखाई दे सकते हैं आने वाले 1 से 2 हफ्तों में दोस्तों, ओके, आने वाले 1 से 2 हफ्तों में एज पर वीकली टाइम फ्रेम में ये डाउन साइड आएगा और फिर से अप ट्रेंड, ये हायर लो की पोजीशन बनाएगा और फिर से ये कंटिन्यू हो सकता है। मगर शूटिंग स्टार के मुताबिक आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, नेक्स्ट वीक भी यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर आपको ज़्यादा डीप दिखाई दे सकता है, वरना जब तक ऐसा नहीं मिलता है आपको वेट करना है और रीटेस्ट पे आपका हायर हाई का रीटेस्ट पे आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है और आपको टारगेट रखना है 46,100 का और 47,000 का दोस्तों, ओके। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में, तो मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में क्या कैंडलस्टिक्स पैटर्न अभी तक बन के उभर के आई है, ओके, और क्या निकल के आ रही है वो अभी तक। तो दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में हमें ज़्यादा बहुत नहीं हुआ, एक ही वीक हुआ है, तो अभी के लिए तो शूटिंग स्टार दिखाई दे रही है, मगर शुरुआती हुई है, अभी 3 हफ्ते और बाकी है, तो दोस्तों वेट करना रहेगा। अभी बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में ऐसी कोई भी मिस फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, तो हमें वेट करना रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, यही हमारा व्यू है कि बाय वन डिप्स की निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रणनीति रखे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट के लिए। अभी के लिए ब्रेकआउट मिल चुका है, डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट मिला था, उसका टारगेट अचीव होके फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। आप बाइंग की पोजीशन बनाइए निफ्टी में भी 19,000 के आसपास और बैंक निफ्टी में भी 44,500 के आसपास आप बाइंग की पोजीशन बनाइए, ओके, 44,100 के आसपास मिलता है तो और एड ऑन कीजिए और आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे टारगेट दिखाई दे सकते हैं दोस्तों, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे हम हमारे क्लाइंट को टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्टॉक ब्रेकआउट प्रोवाइड करते हैं और वो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं दोस्तों, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने डाल दी, आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।